नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ईसीडीसस में। आज की सुबह यहाँ पे बात करेंगे एयू बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में। एयू बैंक कहाँ पे क्रेडिट कार्ड अप्रूव हुआ है कार्ड टू कार्ड बेस में, तो कार्ड टू कार्ड बेस में कैसे मिलेगा, क्या प्रोसेस है, कैसे अप्रूव हुआ, सब कुछ आपको इस वक्त बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो सुनना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। एयू बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो वीडियो आपको मिल जाएगा आई बटन में, आप देख सकते हैं, और अप्लाई करने का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, अप्लाई कर सकते हैं। एयू बैंक यहाँ पे दो सर्विसेस यहाँ पे प्रोवाइड करती है, मतलब दो टाइप से आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। एक तो नॉर्मली अगर आपको फ्रेश अप्लाई करना है, आपके पास यहाँ पे क्रेडिट कार्ड हो ना हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे कार्ड टू कार्ड बेसिकली यहाँ पे अलग से पोर्टल यहाँ पे बनाया गया है। अलग से पोर्टल में यहाँ पे देखिए एयू स्वैप अप करके यहाँ पे नाम दिया गया है, जिसमें यहाँ पे अच्छे खासे बेनिफिट दिया जाता है। सबसे पहला यहाँ पे बेनिफिट ये दिया जाता है कि लाइफ टाइम फ्री आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, और दूसरा यहाँ पे ये बेनिफिट है आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है पहले से, जिस क्रेडिट कार्ड के बेस में आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो उससे अच्छा बेनिफिट वाला आपको कार्ड दिया जाएगा। तीसरा बेनिफिट यह है कि अगर आपका जो लिमिट है, जो भी आपका यहाँ पे लिमिट है, उससे आपको डबल देना दिया जाता है। ज़्यादातर लोगों को यही देखा गया है कि मतलब आपका लिमिट अगर 40,000 है जिस कार्ड के बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो एयू बैंक का क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करेगा वो कम से कम 80,000 का प्रोवाइड करेगा। ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे ऐसा ही देखा गया है। ठीक है, ये है मतलब सबसे अच्छा बेनिफिट। तीनों ही बेनिफिट अच्छा है जो आपको यहाँ पे आपके कार्ड के बेस पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, एक कार्ड टू कार्ड प्रोसेस होता है, मतलब एयू स्वैप अप यहाँ पे जो नाम दिया गया है, सब लोग यहाँ पे मतलब ये सोचते हैं कि वो कार्ड बंद हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, एक कार्ड टू कार्ड अप्लाई प्रोसेस रहता है। ठीक है, अप्लाई प्रोसेस अगर आपको चाहिए तो आई बटन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, मैंने एक एक करके यहाँ पे पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताया है। अब देखिए ऐसे ही सेम यहाँ पे डबल लिमिट के साथ यहाँ पे अप्रूव हुआ है एयू बैंक का क्रेडिट कार्ड अरमान भाई का। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे देखिए मैसेज किया है, बोले कि आपका जो एयू बैंक का यहाँ पे स्वैप अप वीडियो है, मैंने वीडियो लाया था कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, सब कुछ यहाँ पे बताया था। तो बोले वीडियो है वो मैंने देखा और कार्ड टू कार्ड अप्लाई कर दिया, दो दिन में, सिर्फ दो दिन में कार्ड अप्रूव हो गया, वो भी यहाँ पे 85,000 लिमिट यहाँ पे मिला है। अब इनको जो लिमिट मिला है करंट में एयू बैंक का, उसमें 85,000 की लिमिट मिली है, लेकिन जिस कार्ड के बेस पे अप्लाई किए थे तो उसकी लिमिट कितनी है वो भी आप यहाँ पे जान लें। तो मैंने इनसे पूछा कार्ड टू कार्ड के बेस पे अप्लाई किए थे तो बोल रहे हैं हाँ। मैंने बोला कौन से कार्ड के बेस पे अप्लाई किए थे तो बोल रहे हैं BOB क्रेडिट कार्ड के बेस पे। मतलब कि जब भी आप अप्लाई करने जाएंगे, ठीक है, तो आपको एक ऑप्शन दे दिया जाता है, उसमें जो क्रेडिट कार्ड रहता है, मतलब आपके जो क्रेडिट रिपोर्ट है उससे यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे जो कार्ड रहता है वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो उस कार्ड का आपको नंबर यहाँ पे एंटर करना पड़ता है, लास्ट का 6 डिजिट नंबर यहाँ पे एंटर करके आप यहाँ पे वेरीफाई करके आप यहाँ पे कार्ड टू कार्ड बेस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने BOB क्रेडिट कार्ड के बेस पे अप्लाई किया, बोल रहे हैं कि यहाँ पे लिमिट, मैंने इनसे पूछा लिमिट कितनी थी BOB क्रेडिट कार्ड की, तो बोल रहे हैं कि लिमिट थी 40,000 और एयू बैंक में यहाँ पे मिला है 85,000, मतलब डायरेक्टली डबल से भी ज़्यादा इनको लिमिट दिया गया है। ठीक है, अब देखिए मैंने इनसे एक एक करके यहाँ पे डिटेल में पूरा पूछा, अगर अप्लाई करना है तो लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पूछा कार्ड कितना पुराना है, तो बोले कि 8 से 9 महीना पुराना है, मिनिमम यहाँ पे करीबन 6 महीना पुराना भी रहेगा तो आप यहाँ पे कार्ड टू कार्ड बेस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि एक तरफ से ये है कि जब भी आप अप्लाई करने जाएंगे एयू स्वैप अप वाले पोर्टल से, तब उसमें अगर कार्ड अगर आप यहाँ पे कार्ड टू कार्ड प्रोसेस के लिए एलिजिबल रहेंगे तो आपको यहाँ पे कार्ड शो हो जाएगा। ठीक है, उस कार्ड का नंबर आपको डाल के वेरीफाई करके आगे का प्रोसेस करना रहेगा, वीडियो KYC वगैरह करना रहेगा। अगर ऑप्शन नहीं दिखा तो आपको यहाँ पे फ्रेश अप्लाई करने का ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, तो 8 से 9 महीना यहाँ पर इनका कार्ड पुराना है। फिर उसके बाद मैंने इनसे पूछा कि मतलब इंस्टेंट अप्रूव हुआ कि टाइम लगा, तो बोल रहे हैं कि नहीं इंस्टेंट अप्रूव नहीं हुआ, 2 दिन का यहाँ पे टाइम गया, अप्लाई किया था, बोल रहे हैं कि मतलब कि वेरिफिकेशन हुआ, होम वेरिफिकेशन नहीं हुआ। ठीक है, बस यहाँ पे ऑफिस वेरिफिकेशन हुआ, ये चीज़ का यहाँ पे चांसेस पूरा ही रहता है कि एयू बैंक यहाँ पे ज़्यादातर ये करता है, इनकम प्रूफ तो आपसे नहीं लेगा लेकिन आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन कर सकता है, 99% यहाँ पे चांसेस यही है, होम वेरिफिकेशन ऑफिस वेरिफिकेशन दोनों में से एक या दोनों ही यहाँ पे करता ही। ठीक है, तब जाके यहाँ पे अप्रूव देता है वीडियो KYC होने के बाद, और जितना जल्दी हो जाएगा, मतलब सेम डे से अगर वीडियो KYC हुआ और सेम डे से यहाँ पे वर्किंग डे से, तो सेम डे में ही आपका अप्रूव भी दे दिया जाएगा वेरिफिकेशन के बाद। तो ये देखिए इतना हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए बोले कि होम वेरिफिकेशन नहीं हुआ, बस ऑफिस वेरिफिकेशन हुआ और 24 घंटे में यहाँ पे कार्ड अप्रूव हो गया वेरिफिकेशन होने के बाद। तो देख लीजिए इनका यहाँ पे जो कार्ड अप्रूव हुआ उसका यहाँ पे देखिए जो पॉपअप है यहाँ पे दिखा रहा है, कंग्रेचुलेसन योर एप्लीकेशन विद लीड ID नंबर यहाँ पे दिया गया, हैज बीन अप्रूव, कार्ड
हैज बिन डिस्पर्ड, यहाँ पे जो कार्ड है वो जल्द से जल्द यहाँ पे डिलीवरी भी हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए ये कार्ड यहाँ पे इनको मिला है, एक्साइड यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड है इनको यहाँ पे दिया गया है, एयू बैंक का एक्साइड क्रेडिट कार्ड, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। क्रेडिट लिमिट यहाँ पे 85,000 की यहाँ पे दी गई है, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड यहाँ पे मिला है। तो ये डिटेल्स है, अगर आपको अप्लाई करना है कार्ड टू कार्ड प्रोसेस तो वीडियो आपको मिल जाएगा आई बटन में, आप देख सकते हैं, अप्लाई करने का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोसेस थोड़ा अच्छा दिया गया है, लेकिन बस यही है कि आप यहाँ पे कार्ड टू कार्ड बेसिकली एलिजिबल रहने चाहिए, तभी जाके आपको यहाँ पे वो अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, नहीं तो फ्रेश ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते कार्ड टू कार्ड बेस में, जैसे कि यहाँ पे यस बैंक में यहाँ पे सर्विसेस है। अगर आप यहाँ पे कार्ड टू कार्ड या लोन के बेस पर अप्लाई करते हैं तो आप उस पर क्लिक करते हो उस वाले ऑप्शन में तो आप एलिजिबल रहेंगे तो ऑप्शन आएगा, नहीं एलिजिबल रहेंगे तो नहीं आएगा। तो देखिए पूरा प्रोसेस था, कैसे मिला, क्या प्रोसेस था, सब कुछ मैंने यहाँ पे बताया। एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ, अगर आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड एयू बैंक अप्लाई करना चाहते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना, आपका यूटिलाइजेशन कम से कम रहना चाहिए, क्योंकि एयू बैंक यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का यूटिलाइजेशन से भी यहाँ पे रिजेक्ट करता है। दूसरा, आपके एरिया में सर्विस रहनी चाहिए, क्योंकि एयू बैंक की सर्विस अभी सारे जगह नहीं है। तीसरा, यहाँ पे जो है निगेटिव इफेक्ट एकदम नहीं रहना चाहिए आपके क्रेडिट रिपोर्ट में। चौथा, यहाँ पे आपका जो यहाँ पे सिविल हो कम से कम 750 प्लस यहाँ पे रहना चाहिए, तब जाके आपका यहाँ पे क्रेडिट कार्ड यहाँ पे अप्रूवल के चांसेस बनते हैं, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस था, क्या था, कैसे करना है, सब कुछ मैंने बताया। कुछ भी डाउट्स होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, साथ ही साथ हमें यहाँ पे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं कुछ नया अपडेट लेके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।